अब जब ये लोग भी हाथ आजमा रहे थे तो मैंने सोचा कि यार मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता ये किल मेरे हाथ में ही आ जाए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई एक और बार स्वागत है आपका एक और BGMI के एक और गेम। मैं इतना ज़्यादा एक और क्यों बोल रहा हूँ, फिर भी गेम प्ले वीडियो में। तो भाई आज का ये सीन होता है कि सीधा उतरते हैं स्कूल पे, और यहाँ पर उतरने के बाद ना भाई मुझे लगता है कि कोई तो आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आता। तो उसके बाद यहाँ पर लूट करते हैं और भाई AKM और स्कायरल हाथ में आ जाती है। और जैसे स्कूल से बाहर निकलता हूँ तो एक बॉड भैया जी मिलते हैं, और उनकी पेटी बनाने के बाद भाई इसके बाद ना बहुत ही बड़ा मज़ेदार सीन होने वाला है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पहले तुम इस बॉट की तो पेटी बनते देख लो यार, देखो ना। तो गाइज इस बॉट की पेटी बनाने के बाद अब थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं। तो काम की बात यह है कि भैया यह है नया सीजन। तो नए सीजन में यार मतलब ऐसे ऐसे फुद्दू बंदे मिलते हैं ना कि मतलब उनको मार करके मेरे भाई जो खेल रहा होगा उसका दिल तो जरूर खुश हो जाएगा, लेकिन भाई जैसे अब तुम देख रहे हो ना तो तुम्हारे दिल को भाई थोड़ी निराशा हो सकती है। भाई ये तो सीजन का स्टार्ट है तो यार ये तो हो गई। तो इसके बाद यहाँ से सीधा गाड़ी को पकड़ता हूँ, और गाड़ी को पकड़ने के बाद अपार्टमेंट में बंदों को उतरते हुए देखा था तो वहाँ पर ले जा करके ठोक देता हूँ, और वहीं पर मिलते हैं वो फुद्दू बंदे, मतलब जो नशे में या तो खेल रहे थे या तो मैं ही नशे में था, देखना तुम। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो गाइज इसको कहते हैं कि भाई कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, मतलब यहाँ पर यार क्या मजाक चल रहा है क्या? वो मुझको ऐसे क्रॉस करके ये बंदा यहाँ पर गया जैसे कि ये सब्जी मंडी है। भाई मैं तेरी चटनी बना करके आगे बढ़ूंगा, तू मेरी चटनी बना करके आगे बढ़ेगा, और सब्जियों को एकदम नोच लेंगे जैसे सस्ता दाम पर कुछ भी मिलेगा। मतलब यार मजाक लगा रखा है क्या? तो खैर इनके यहाँ पर पेटी बना दिया। अब यार बाजू वाली इमारत से ना फुटस्टेप आ रहे थे तो मैं गाड़ी में बैठ करके वहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि यार पैदल गया ना तो भाई रास्ते में पेटी ना बन जाए। उसके बाद क्या होता है देख लो खुद ही। क्यों हिला डाला ना? तो भाई यहाँ पर जैसे ही अंदर घुसा, और उसके बाद यहाँ पर भाई थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हो गया था और दरवाजे पर जाकर के अटक भी गया था जैसे कि तुमने अभी यहाँ पर देखा। लेकिन भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो दूसरा वाला बंदा था, क्या बोल रहा हूँ मैं, बंदा था वो यार कट्टा क्यों चला रहा था इतने देर में? उसने खाली कट्टा ही लूटा, मतलब उसकी आखिरकार मतलब क्या थिंकिंग थी यार, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या ही कैंपर थे यार ये। खैर इनके यहाँ पर पेटी बन गई। अभी यहाँ पर इनके दो और बंदे बचे हुए हैं जिनको मुझे यहाँ पर ढूंढना था, और भाई उनको ढूंढने के लिए सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। और फिलहाल उनको तो ढूंढेंगे, उससे पहले यहाँ पर एक बॉर्ड भैया दिखते हैं तो उनकी पेटी बनाते हैं, और उसके बाद यार बताता हूँ आगे का क्या माजरा था। हाँ तो भाई आगे का कुछ इस तरीके का सीन था कि यार यहाँ पर ना ये जो दो बंदे बचे हुए थे ना, ये मतलब कैंपरों के भी कैंपर थे, मतलब एकदम शांति दे के बैठे हुए थे एकदम शांति से। और भाई मतलब मैं इधर उधर इतनी देर से भटक रहा हूँ कि भैया मतलब कोई तो दिख जाए, कोई तो दिख जाए, लेकिन ना बिल्कुल भी नहीं दिखना था। और यहाँ पर मैं मजे ले ही रहा था कि अचानक से मुझे मेरी सामने वाली इमारत में से यार फुटस्टेप आने स्टार्ट हो गए। तो मैं समझ गया कि भैया मुर्गी जाल में फंसने वाली है या फंस चुकी है। तो उसके बाद भाई मतलब देखना यहाँ पर फिर क्या होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो गाइज यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो कि भाई इसकी पेटी बनाई दी। अब पेटी बनानी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यार इसको ढूंढना बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि यार यहाँ पर एकदम शांति मची हुई थी, मतलब क्या ही गजब लेवल का कैंपर था। भाई मैंने इसके फुटस्टेप से पता लगाया इसका और इसकी पेटी बनाई, वरना तो यार ये दिख भी नहीं रहा था, मतलब
क्या ही बताऊं यार। अब आगे के ये सीन होता है इसकी पेटी बनाने के बाद कि यहाँ पर एक बग्गी वाला पता नहीं भाई किसकी पेटी बना के यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन जब तक मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि यार वो मेरे हाथ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक भाई साहब जीप लेके भी घूम रहे होते हैं। अब जीप वाले के क्या सीन होता है कि जीप वाला जो होता है इन्हीं का चौथा बंदा होता है, जिनकी यहाँ पर मैं पेटी बना चुका हूँ ना तीन बंदों की, उन्हीं का चौथा बंदा होता है। और भाई वो जीप को घुमा करके ना, मतलब पता नहीं किसी कन्फ्यूजन में फंसा हुआ था, वो सोच रहा था कि भाई इस बंदे से फाइट लूँ कि ना लूँ, कहीं मेरी पेटी ना बन जाए। लेकिन बंदे ने आखिरकार यहाँ पर भाई अपनी जीप को सामने वाले अपार्टमेंट में मेरे रोका और भाई मुझे बॉट फायरिंग दे रहा है। मतलब सुनो तुम, तो गाइज यार मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने भी यहाँ पर बॉट फायरिंग दे दी। लेकिन यार यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता हूँ और ये बंदा एकदम मेरा दिमाग ख़राब कर देता है, क्योंकि यार ये मतलब पता नहीं क्या ही चाहता था, मतलब कैंपिंग कैंपिंग कैंपिंग, उसके अलावा यहाँ पर कुछ रखा ही नहीं। अगर सीजन स्टार्ट है तो यार थोड़ा तो लड़ लो। तो यार मैंने सोचा कि तू नहीं आ रहा तो यार चलो मैं ही तेरे पास जाता हूँ। और उसके बाद भाई मैं आगे बढ़ता हूँ और भाई जब अपार्टमेंट में पहुँचता हूँ ना जिसमें ये होता है, तो मुझे कूदने की आवाज़ आती है और उसके बाद क्या होता है देखना तुम। बंदे की बॉट फायरिंग देख रहे हो भैया, एकदम गजब लेवल की है। अब पानी तू पी और पी। गाइज यहाँ पर मुझे ये नहीं पता था कि यार बॉट जो होता है ना वो अंदर घुसने से पहले नेड करता है और उसके बाद अंदर आता है। भाई नेड करता है और उसके बाद अंदर आता है जैसे कि मैंने कहा, लेकिन इसका स्वागत जो है ना इस बॉट का मैंने सीधा पेटी के साथ किया, घुसते ही सीधा पेटी बना दी। अब यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि भैया मतलब क्या ही बोरिंग गेम प्ले है यार, मतलब क्या ही बोरिंग है। लेकिन यार तुम मुझे बताओ कि मैं क्या ही कर सकता हूँ यहाँ पर। बंदे को तो यार पहले ढूंढो और ढूंढने के बाद उस पर भी पता चले कि बंदा कैंपिंग डाल के बैठा हुआ है। अब उसके साथ मुझे भी इंतज़ार करना पड़ता है कि भैया कब ये अपना थोपड़ा दिखाएगा, और जब ना दिखाए तो मुझे ही रश करना पड़ता है। तो यार तुम ही बताओ कि सीजन के स्टार्ट में मतलब क्या ही किया जा सकता है इनका। मतलब तुम मुझे कमेंट करके लिख दो अगर तुम्हें यह लगता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं। खैर इसके बाद यहां से मतलब सीधा गाड़ी को लेकर के ना मैं आगे की तरफ निकल जाता हूं, और पोचंकी में जैसे ही अपनी गाड़ी को जाकर के रोकता हूं तो वहां पर यार गन मंगाने की जो वेंडिंग मशीन होती है उसमें ताका झाकी कर ही रहा होता हूं कि पता चलता है कि भैया एक और कैंपर मेरे पड़ोस में ही है जो कि मतलब पता नहीं किसको ही फायरिंग दे रहा होता है। देखना तुम और सुनना। हाँ तो भैया अंदर घुसते ही यहाँ पर फुटस्टेप आने लगते हैं, तो पहले तो मैं यहाँ पर खड़े होकर भाई मॉनिटर करता हूँ कि ये बंदा मेरे ऊपर मतलब अटैक करने तो नहीं आ रहा। लेकिन वो नहीं आता तो मैं यहाँ पर भैया ग्रोज़ा मंगा लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार जब टाइम है ही तो ग्रोज़ा को मंगा लेते हैं, और ग्रोज़ा को मंगाने के बाद अंदर जाएंगे और इसकी मस्त पेटी बनाएंगे। तो यहाँ पर ये सब काम निपटने के बाद आगे क्या होता है देखो तुम। तो भैया मैं सीधा अंदर की तरफ घुसता हूँ, और मुझे पता था कि भाई अगर बंदा होगा ना तो सीढ़ी पे ही खड़ा होगा, तो मैं पहले से ही प्री फायर दे के रखता हूँ। और भैया मेरे हाथ में तो ग्रोज़ा थी, मैंने हाथ में यहाँ पर भाई गाजर मूली बैगन तो ले नहीं रखा कि उसको कुछ भी ना हो, तो यहाँ पर सीधा उसकी पेटी बन गई। अब बंदा ठहरा कैंपर, भाई अटैक करने फिर भी नहीं आया, मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। मतलब देख रहे हो यार, तो यार मतलब बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है। तो यार इस सिचुएशन के लिए यहाँ पर तुम लाइक का बटन दबा सकते हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और यार कमेंट में ना मतलब जो जो तुमसे पूछा है वो लिख देना, या फिर जो तुम्हारे मन में आए वही लिख देना। और यार मुझे भी सपोर्ट करो यार, गरीब को सपोर्ट करो, मतलब तुम क्या कर रहे हो यार। खैर चलो अब आगे की बात करते हैं। तो आगे का ये सीन होता कि यार आगे से भी गोली चलने की आवाज़ आ रही थी जैसा कि तुम सुन रहे थे, तो यहाँ पर मैं बग्गी को लेता हूँ और सीधा बग्गी को लेकर चर्च में पहुँचता हूँ। और चर्च में पहुँचने के बाद पता नहीं यार ये आगे किसी और से फाइट ले रहे होते हैं बंदे, तो मैं बीच में यहाँ पर घुस जाता हूँ, तो फिर क्या होता है देखो।
तो गाइस यहाँ पर मेरी 12 किल होनी थी यहाँ पर, लेकिन एक किल चोरी हो गई और वो भगोड़ा यहाँ से भाग रहा है बग्घी को लेकर के। सुनो ये तो किल चुरा के भाग गया, लेकिन मैं आगे चेक करता हूं कि ये किससे फाइट ले रहे थे। अब इनको एकदम घटिया सी और एकदम नाकाम सी फायरिंग देने के बाद मैं यहाँ पर आकर के लेट जाता हूँ और एनर्जी ड्रिंक को पीने लग जाता हूँ और आगे क्या करना है वो सोच रहा होता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि थोड़े और फटके मार के देखता हूँ, शायद कुछ हो जाए। लेकिन नहीं 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 भाई, एकदम नहीं नहीं, इनको हल्के में लेकर के यार मैंने एकदम गलती कर दी। इनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना था। और इसके बाद यहाँ पर मैं सीधा चर्च के ऊपर चढ़ जाता हूँ और वहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ कि बेटा यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत भी तुम दिख जाओ। और भाई थोड़ा बहुत क्या, वो तो मुझे बहुत ही अच्छे से दिख जाता है। और उसके बाद भाई मतलब क्या ही सीन करता उनका तुम देखना। और इतने में वो बग्घी वाला भी वापस आ जाता है, देखो तुम। तो भैया इनकी पेटी तो एकदम मक्खन बन गई, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था ना कि वो जो बग्घी वाला मेरी किल चुरा के भाग गया था वो वापस आता, और भाई इस बार वो पैदल पैदल भागते हुए आता है। तो भाई उसके सीन क्या करते हैं देखो, लेकिन वो पैदल क्यों आया। अब ये क्यों आया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आया यही बड़ी बात थी और अच्छा ही हुआ, क्योंकि इससे यहाँ पर मेरा बदला तो पूरा हो ही गया ना। तो यार मतलब इसी बात की खुशी थी। अब ये क्यों आया मुझे क्या लेना देना। अब आगे की ये सीन होता है कि इसके बाद यार मैं यहाँ से बग्घी को पकड़ करके जाता हूँ और भाई जहाँ वेंडिंग मशीन होती है उसमें से अपनी प्यारी AWM को ले लेता हूँ। और AWM को लेने के बाद ना मैं सच बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा भटका, बहुत ज़्यादा कि बंदों की तलाश में इधर उधर बहुत भटका, लेकिन कोई भी नहीं मिला। लेकिन अंत में जा करके भाई फेरी का जो ब्रिज होता है ना वहाँ पर जा करके भाई मैं जाता ही हूँ और देखता ही हूँ कि भाई इधर उधर कोई दिख जाए। लेकिन एक बग्घी मेरे को पहाड़ के किनारे में खड़ी दिखती है और भैया गिल सूट में एक महाशय सांप बन के भाई खुले में लेटे होते हैं। मतलब क्या ही बताऊँ यार, सांप बन के क्यों लेटते हैं यार, मतलब खुले में वो भी घास में तो लेट जाए यार अगर गिल सूट पहना है। देखो तुम आगे। जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। तो भैया इसको तो एक पट से हेडशॉट दिया और उसकी सीधा पेटी में से हरा धुआं निकाल दिया। मतलब क्या ही मजा आया। यहाँ पर तुम लाइक का बटन दबा देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में यार बताना कि कैसा लगा। अब आगे यार अगर तुमने अभी भी ठान रखा है कि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे के सीन इससे भी मजेदार होने वाले हैं। आगे ये होता कि यार यहाँ पर ना मैं बहुत देर तक इंतजार करता हूँ और मेरे जो नीचे वाले घर होते हैं ना उसमें पूरे के पूरे 3 बंदे आ जाते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाई हाथ में AWM थी तो देखो भाई थोड़ी कोशिश करता हूँ अपनी पहले नाकाम सी। देखो अब इसमें से एक बंदा एकदम अफलातून होता भाई। मतलब यार पता है कि जब छत पर खतरा है लेकिन वो फिर भी छत पर आता और एकदम सांप बन के आता। मतलब कुछ भी हो जाए सांप बनना तो हम नहीं छोड़ेंगे। देखो तुम। अब तुम सांप बन के आओ या फिर एनाकोंडा बन के आओ मुझे क्या यार, मेरा काम तो यहाँ पर पेटी डालना है तो यहाँ पर मैं पेटी डालूंगा। तो जैसे तैसे उसको नॉकआउट तो कर दिया, लेकिन यार यहाँ पर मेरा इरादा था या तो तीनों की पेटी यहीं से बन जाए या तो कम से कम 2 नॉकआउट हो जाए ताकि मैं रश कर सकूँ। खैर आगे क्या होता है फिर देखो।
तो भाई जैसे कि तुमने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर मैंने दो को नॉकआउट तो कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार चलो एक और बार कोशिश करता हूँ, शायद तीसरा भी दिख जाए तो यहीं से भाई धुआं निकल आएगा तीनों का, तो यार अच्छा रहेगा ना। लेकिन भाई तीसरे वाले बंदे ने अपना थोपड़ा नहीं दिखाया, तो भाई मैंने सोचा कि यार अब जो होगा देख लेंगे, बहुत दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सीधा बग्गी लिया और भैया रश कर दिया, सोलो रश। फिर क्या होता है देखो। अब जैसे ही इस बंदे की पेटी बनती है तो मुझे लगता है कि भाई छत पे दो बंदे बचे होने चाहिए, लेकिन एकदम मैं गलत होता हूँ, क्योंकि यार छत पे पूरे के पूरे तीन बंदे अभी भी बाकी थे। खैर आगे देखो। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। अब या तो ये बंदा बहुत ही बड़ा अंधा होता है या तो ये बहुत ही बड़ा डरपोक होता है, क्योंकि भाई सीधा बंदा ऊपर ही चले जाता बिना रुके और आगे पीछे देखे। तो मैंने सोचा यार जाने दो, और इनका जो स्मोक होता है ना वो सीढ़ी पर खत्म हो जाता है, तो मैंने सोचा यार गिफ्टमैन को एक स्मोक भी दे देता हूँ। तो मैंने स्मोक कर दिया सीढ़ी पर, खैर इसलिए किया ताकि ये नीचे कुछ ना देख पाए। अब आगे का ये सीन होता है कि इनका जो पूरा ध्यान होता है ना वो एक पेड़ वाले बंदे पे होता है, पेड़ के पीछे ना एक बंदा छुपा हुआ होता है जैसे कि तुमने देखा भी होगा पीछे में। तो यार मैंने सोचा कि यार इसी का फायदा उठाया जाए, जब इनका ध्यान उस पर ही होगा ना तो मैं छत पर चला जाऊंगा, और उसके बाद क्या होता है देखना तुम। अब जब ये लोग भी हाथ आजमा रहे थे तो मैंने सोचा कि यार मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूं, क्या पता ये किल मेरे हाथ में ही आ जाए। अब मैंने यहाँ पर सही मौका देखा, मैंने जैसे ही देखा कि भाई इन सभी का ध्यान भाई पेड़ वाले पे है तो मैं सीधा छत पे गया और भाई दो बंदों को नॉकआउट कर दिया। लेकिन भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई छत पे तीन बंदे हैं, और जैसे ही तीसरे वाले बंदे को देखा तो मैं थोड़ा सा भाई हड़बड़ा गया, लेकिन जैसे तैसे भैया अपने आप को कंट्रोल किया और ग्रोसा के एक ही स्प्रे में भाई तीन पेटी डाल दी। तो इसी के लिए तुम यहाँ पर तुम लाइक का बटन दबा देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताने कि कैसा लगा। अब आगे का ये सीन होता है कि यहाँ पर मेरे को एक ब्लैक मांबा दिखता है, आगे देखो। तो भैया मेरे पास भी ग्रोसा और AWM है, हल्के में ले रहे हो क्या? खैर यार AWM की पावर देख रहे हो, 3 लेवल के हेलमेट को यार मतलब क्या ही चकनाचूर किया और सीधा उसकी पेटी बन गई। तो इसी के लिए यार तुम लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आगे का ये सीन होता है कि भैया वो पेड़ वाला बंदा बाकी होता है जिसकी पेटी ये छत वाले भी बनाना चाहते थे। खैर आगे देखो। तो गाइस आखिरी का बंदा बाकी था यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि यार AWM जब चल ही रही है तो यार आखिरी वाले की भी AWM से पेटी बनाई जाए। और जैसे तैसे भैया पहला शॉट तो मिस हुआ, लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल भी मिस नहीं होने दिया और सीधा उसकी पेटी बना दी, और यहाँ पर हमारा हो गया भाई बिन्नर मुर्गी डिनर। हाँ तो अब यार मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा कि यार क्या ही बताऊँ यार, आजकल ना बड़ी ठंड हो रही है कि गर्मी हो रही है तुम्हारे यहाँ, तुम मुझे ज़रूर बताना। खैर मुझे तो ठंडी लग रही है, और ज़्यादा बकवास ना करते हुए अब वीडियो को मुझे लगता है एंड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा खींच दी ना मैंने। तो यार कुल मिलाकर के आज की वीडियो में तय, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा, सायोनारा, बाय बाय। और हाँ जाते जाते ना अंत में ये भी बता दूँ कि इसके बाद ना बैठ करके मस्त चाय कॉफ़ी पीऊँगा ब्रेड के साथ। चलो बाय। Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time.